मैं लाइव है तस्वीरें और जीन चौक पर है और तस्वीरें देखिए। पहले हमने दिखाया था आपको गुरुद्वारा मार्केट और ये है जींद चौक। एक बार अच्छे तरीके से दिखाओ भाई, गाड़ियों के जो टायर हैं वो पूरे भर चुके हैं। सबको पता था कि मानसून लगातार चली हुई है, लेकिन हुआ क्या कि जो नगरपालिका के चेयरमैन थे वो ऐसे आघोष में चले गए जहां उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि विकास होगा, क्योंकि पहले 5 साल भी भाजपा के ही चेयरमैन रहे थे, लेकिन हालात ये रहे थे कि अभी तक युग जो बच्चों है ये जो नाले हैं इनकी सफाई नहीं की गई और सतीश कटारिया को बनाया गया, लेकिन उम्मीद थी लोगों को कि कुछ न कुछ अलग करेंगे, लेकिन वही हालात, वही दशा, वही दुर्दशा। और बसों के सवारी कहाँ से चढ़े, सवारी कहाँ उतरे, ये तस्वीरें हैं जींद चौक की। और गोटे गोटे पानी है और अभी आगे भी दिखाएंगे, तो तस्वीरों में बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा। अभी यह है गुरुद्वारा मार्केट जहाँ दुकानों में घुसा है पानी और इस समय पूरे जाम जो है यहाँ लग जाते हैं और हालात थोड़ी सी बरसात में जो हालात है वो काफ़ी बिगड़ जाते हैं। ये है 7 समंदर पार की जगह। यदि आपको गुरुद्वारे में जाना पड़ जाए तो आपको यहाँ से निकलने में जदो, वो देखिए मोटरसाइकिल कोशिश कर रहे हैं मोटरसाइकिल निकालने की, और इस समय मोटरसाइकिल पूरी की पूरी जो है पानी में है और हालात आज पहले से भी बेकार है। दुकानों में पानी जो है घुस चुका है, काफ़ी दयनीय दशा है। और वो मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश की गई लेकिन अभी नहीं निकली और सारी दुकानें बंद है। दीपक यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, दुकानों के बिल्कुल अंदर जो है पानी चला गया है। और इस समय थोड़ा आगे आ जाओ दीपक, आगे आ जाओ, पेंट भी किएगी इसमें कोई शक नहीं, आगे आगे घुस जा, आगे चलो, आगे चलो। और इस समय ये तस्वीरें हैं, हाँ जी माता जी, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राम राम जी, माता से क्या पूछे, बता माता तो आप पे तंग है। यहाँ कुछ थोड़ी सी बरसात होते ही दुकानें बंद हो जाती हैं और मार्केट बंद हो जाती है, दुकानों वालों को जो है चिंता हो जाती है। दीपक ये स्कूटरी दिखाओ, ये स्कूटरी दिखाओ, कुछ बरसात आने से पहले स्कूटरी खड़ी थी अपने स्थान पर, लेकिन जैसे ही बारिश आया तो आधी से ज़्यादा जो स्कूटरी है, पाँव देख सकते हैं मेरे कहाँ तक पानी आ चुका है। अभी ये पानी यहाँ तक आएगा, अभी आगे आगे चलेंगे, यहाँ तक ये पानी आएगा। तस्वीरों को शेयर करें। और जो नए चेयरमैन है, नगर नई नगर पालिका है, उससे लोगों ने उम्मीद लगाई थी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और ये स्कूटी है इस समय पानी के अंदर डूबी हुई, आगे जितनी भी दुकानें हैं उनके अंदर पानी ही पानी है। और इस समय दीपक इधर दिखाओ, इस समय ये दुकानें, और कहा जा रहा था मोटरसाइकिल, दीपक मोटरसाइकिल, ये हालात हैं असंध के जो। और ये देखिए माता, क्या यहाँ से निकल जाते हो बारिश में? नहीं जी, आप भी देख लो इसके हालात कैसे हैं, एक ही आ रहे हैं और भी मुश्किल होती है। हाँ, और मुश्किल ही है, बड़ी मुश्किल है, थोड़ी सी बरसात हो जाता है। हाँ वेख लकिन्ना रखे हैं, थोड़ी सी बरसात ने दीवा जगह है ना बड़ा, वेख की तो भाई नगर पालिका चेयरमैन बनाया था उम्मीदों के साथ, लेकिन वही रंग वही ढंग जो पिछले लोगों ने किया और ना ही कुछ कर पाए और ना ही सफाई कर पाए। यदि नालों को साफ किया जाता था तो कुछ हो सकता था, और सारे जो दुकानदार हैं उनका काम जो है रुक जाता है, पानी का स्तर बढ़ जाएगा। गोटे गोटे जब हमने सुना था पानी का स्तर बढ़ जाएगा, और आज फिर दोबारा फिर एक बार हमारे सब्जी वाले भाई के पास आते हैं कि भाई उस दिन बारिश हुई थी, क्या उसके बाद किसी ने सुनवाई करी या नहीं करी?
आधा कबाड़ निकाला, आधा बीच में छोड़ गए। अच्छा, अभी सफाई नहीं करी? नहीं करी। यदि सही सफाई होती तो? सही सफाई होती तो पानी निकलता साथ ही साथ में। हाँ जी, पानी ऐसे कैसे रुका पड़ा है जी? तो नहीं चल रहा है। बिल्कुल जी, गाने को अंदर बिल्कुल लाश में चला गया जी। सब्जी भीगी है, आधा नुकसान ही होता है, ना भीगी सब्जी नुकसान ही है जी। हाँ जी, हाँ जी। इन लोगों ने नगर पालिका चेयरमैन को या सभी को वोट इसलिए दिया था कि इनका उद्धार हो, लेकिन हालत वही पहले 5 साल वाली और काफी सालों से, चलो दीपक, काफी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जब कुछ ही बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ा ध्यान से दीपक, तो उसी समय तो उसी समय ये हालात ऐसी हो जाती है कि घोड़े से पानी जो है अभी ऊपर जाता हुआ, और दुकानें उस तरफ भी है जिन्होंने कुछ दीवार, हाँ तो भाई ये हालात है किस प्रकार से, और जर्जर हालात है, मोटरसाइकिल यहाँ रुक जाती है। आ जाओ दीपक, आगे आ जाओ, और अभी और भी पानी का लेवल जो है बढ़ जाएगा। यहाँ से मोटरसाइकिल साइकिल निकालना बहुत बड़ी बात है। वो देखो, वो निकाल रहे सरदार जी दुकान में से पानी, और ये हालात है इस शहर के, कोई सुनाई करने वाला नहीं। और जो चेयरमैन है वो ऐसे कंबल में जाकर के बैठ गया जहां विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। और इस समय बिल्कुल बिल्कुल जगह जगह जो है पुल बनाए। सरदार जी कैसे रहे, उस दिन भी आए थे, करवाई कोई सफाई? सफाई तो करी है, सफाई वाले तो आए थे, पर पानी नहीं आगे जाता, पानी क्या बात है। हाँ हाँ जी, बहुत बुरा हाल है साहब, पानी दो बार ही पानी पड़ गया दुकान के अंदर, दो तीन बार ही पानी काटे हमने। ना जी ना, सुबह की 2 घंटे हो गए ये सारे बैठे हैं यार, दो, और घर से भी तंग हो रहे हैं ये, घर से फोन आने लग रहे हैं इनके, क्या हो गया, क्या फंस गए आप? दीपक वो ना लग रहे तो ये देखिए स्कूटी, उधर स्कूटी दिखाऊं मैं आपको, स्कूटी भी जो है पानी में फंस गई है। वो देख दीपक, वो देख, जूम हो सकता है क्या? है मैं पकड़ूं? एक मिनट, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, बच्चे आनंद लेते हुए, जूम करो, जूम करो। हाँ देखिए, पानी के अंदर ये बच्चे अपना आनंद लेते हुए, ये देखिए इन्होंने यहाँ तैराकी स्विमिंग का पूल का जो है सिस्टम बना दिया ये पूरे पूरे पूरे। चलो तो देखिए हालात, चलो जूम हटाओ, तो ये हालात है इस शहर के असंध के, जहाँ विकास के नाम पर वोट मांगे जाते हैं लेकिन विकास का नाम और निशान आपको नहीं मिलता। और ये दुकान काफी पुरानी दुकान, पंजाबी सूट दुपट्टा, यहाँ किस प्रकार से जो स्थिति है वो काफी गंभीर है कि उम्मीद लगा करके ये लोग वोट डालते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, और लाखों रुपए का कपड़ा कई बार नुकसान होने की। सरदार जी कोई सुनवाई हुई? कोई नहीं हुई। आपने एमएलए साहब को बोला था कि यहाँ कोई पंप पंप लगा दो, जो पानी खलोए सीधा नाली से जाके बाहर निकल जाए, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। हमने फिर अभी उनसे भी मिले थे, हम जो नवे बने अपने नगर पालिका के प्रोसीजर साहब, प्रधान जी ने बोलिया था, फोन पे बोलिया था, वैसे नहीं बोलिया कि भाई हमारे शहर की करो, थोड़ी जी सुनवाई कराओ, तो उन्होंने क्या करेंगे, पर उसने थोड़ा सा वैसे कार्रवाई की थी आगे, उधर थड़ी पटा के, पर सही हुआ नहीं है काम, पर हुआ है थोड़ा सा, शुक्र है थैंक्स, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ, नहीं पानी तो उतरा ही नहीं ना, पानी आगे नहीं सफाई हो रही, पता नहीं क्या बारिश थोड़ी सी हुई है, अब बारिश तो हुई नहीं है, देखो बारिश बंद है, और ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, देखो इधर देखो, इधर देखो सर कितना बंद मार के बैठे हैं, जे ना होते जहाँ तक प्रेजेंट ना होते सारा माल। हाँ बहुत थैंक्स। दुकानदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज, और जैसे ही कुछ थोड़ी बारिश होती है बहुत ज्यादा, पहला 10 मिनट पहला बरसात हो जाए पानी इन्हें हो गया, अब आधे घंटे दी है, बहुत बुरा हाल जी, बहुत बुरा हाल है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की दुकान, देखिए दुकानों के आगे मजबूरी है, इन लोगों ने किस प्रकार से दीवार बनाई है, अंदर से पानी भी निकल रहा है? नहीं अभी तक तो आया नहीं पानी, बाकी एक जाल आई थी अंदर, बाकी बचाव है, आज बचाव है, बाकी क्या कर सकते हैं, तो बचाव है। हाँ
तो शट डाउन था इसलिए बचाव हो गया, नहीं तो जो है ना पानी अंदर आता है। देखो आपको दिख रहा है जी, कोई सुनाई नहीं अभी, क्या पता है जी क्या होगा आगे, क्या कुछ कोई उम्मीद नहीं है जी अभी तक। तो जब दुकानदार तो तब करेगा ना उम्मीद, जब उसका काम बनेगा, तो बिना उम्मीद कैसे लगाएं उम्मीद अब सरकार के साथ। दुकानदारों की बड़ी मांग है काफी समय से कि चंद मिनटों की जो है वो ट्रैक्टर और इस समय ये जो झाल है तो दुकानों के अंदर लगती है, किस तरीके से दुकानों के अंदर पानी जाता है। तो भाई जब भी आप कोई साधन लेकर के आते हैं उसके धीरे, ये दुकान देखिए, ये दुकान देखिए, इसके अंदर आप सोच सकते हैं कि पानी जरूर गया होगा, आज शायद मालिक नहीं है, नुकसान हो चुका है, अंदर पानी ही पानी है। और एक और स्वीट्स की भी दुकान है जहां इस समय पानी चला जाता है, काफी नुकसान है। और जो दिहाड़ी मजदूरी क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं आप लोग? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं साहब, इस टाइम तो जी काम कहाँ है, बारिश आ गई, काम सारे फैल हैं, क्या करें सर, और नुकसान लोगों को है जी, देख रहे हो आप ना जी, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। दिहाड़ी मजदूर करने वाले का मोल देखिया जी, आज सावन का ऐसा कई सालों में त्योहार आया है जो कि आज हमें देखने को मिला कई सालों बाद। तीज का त्योहार है और भाई इस त्योहार पर आप स्थिति देख सकते हैं, वो देखिए दुकानदार जो है अपना पानी निकालते हुए दुकान के अंदर से। स्थितियां आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ असंध आ जाइए। हर दुकानदार ने अपने आगे जो एक दीवार बनाई है उसको टाप करके अंदर जाना पड़ता है। और ये स्थिति देखिए, अंदर से पानी निकालते हुए और एक बोर्ड लगाया है कि पानी अंदर ना जाए, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करता क्योंकि वोट लेने के लिए जो वो लोग हैं वो, ओहो चलो चलो यहाँ भी नाली है, तो कोई सुनवाई हुई जी? कोई सुनवाई नहीं जी, इतने कोई सुनवाई नहीं जी, बुरा हाल है, मंदे दिहाड़े ने, देखो जी हालात, देखो पानी दे किन्ने को पानी इत्थे, कई बारी कह चुके हैं नाले नहीं साफ होंदे और की होना है, नाले भी नहीं साफ होंदे, स्पेशल चाहिए इत्थे नाला और बनया होना चाहिए पानी वास्ते, एक और नाला चाहिए पानी वास्ते स्पेशल, जेड़ा पानी जेड़ा बरसात का पानी स्पेशल लेके आवे। अंदर से पानी निकालते हुए दुकान के अंदर पानी है और इस समय कब तक ये लोग रहे ऐसे करते रहेंगे, कब तक ये पानी निकलेगा? रात को प्रसाद आ जाती फिर पानी पानी होया होता है, की करिए, और नुकसान बड़ा नुकसान होता है जी। भाई जो नए चेयरमैन है सतीश कटारिया भाई, जिस आगोश में आप बैठे हैं वहां विकास नाम की कोई चीज नहीं है, आप इन लोगों की समस्या को सुने और उसको दूर करें। और ये सिर्फ आधे घंटे की बारिश है और ये वो स्वीट्स की दुकान, ये सभी जो दुकानदार है वो बैठे एक उम्मीद पर दुकान के अंदर। सभी ने अपनी दुकान के बाहर एक चार दीवारी एक ईंटों का स्लेब बनाया हुआ है कि अंदर पानी न जाए, लेकिन बावजूद उसके पानी चला जाता है। तो है कोई उम्मीद किसी से, कोई ऐसा करेगा ठीक ठाक? नहीं कोई उम्मीद नहीं किसी से, ये तो चार सब वोट मांगने के लिए आते हैं, चार पांच प्लान तो निकल चुके हैं ना ऐसी हालत में। और ये आप कह रहे थे ये 10 मिनट की बारिश बस, ये शहर का चांदनी चौक है जी, ये शहर का मॉडल टाउन है और ये शहर की हालात है, और सब अपने जो एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लगना नहीं है। जितना हम लोगों का नुकसान होता है ना उसके मुताबिक प्रशासन को बड़े बजट मिलते हैं, बहुत बजट मिलते हैं, और ये काम है। अब ये दुकान ये दुकान का शटर उठाएंगे ना जी तो अंदर पानी चिक्कड़ सारा सारा माल खराब मिलेगा। ये देखो 10-15 मिनट ये दुकान के अंदर पानी ही पानी है और ये हालात है इस शहर के असंध के, दूर जाने की जरूरत नहीं। और ये है मिठाई की दुकान जिसके अंदर आपको देखिए, लाला जी को पहले तेरे को दिखा दूं, पानी तो तूने निकाला है, मैं निकालता नहीं हूँ पानी उन्हें, अरे दिखा। इस दुकान के अंदर पानी ही पानी है और जर्जर हालात है, स्वीट्स की दुकान है और काफी ऊंचाई है, सड़क से काफी ऊंचाई है, लेकिन बावजूद उसके इस समय ये हालात है इस दुकान के, बहुत बुरा हाल है, ना कोई सुनने वाला ना कोई
काम करने वाला और बस सभी ले लिए भाई। तो पूरी की पूरी मार्केट इस तरीके से डूबी रहती है और ना कोई यहाँ पहुँचता है ना कोई सुनता है। बार बार इस मार्केट की न्यूज़ दिखाते हैं। तो भाई चेयरमैन साहब, यदि आपको कहीं हमारी आवाज़ सुन रही है तो सबसे पहले सारे काम छोड़ करके इस मार्केट के हालात देखें। राम राम जी। तो सबसे पहले इस मार्केट के हालात देखें कि किस प्रकार से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, सुबह ही डब्बे गिलास लेकर के। करेंगे एक बार और करके फिर करेंगे बढ़िया। लगा दी। तो जर्जर हालात है और लगभग 2 से 3 घंटे के बाद ये पानी उतरेगा, उसके बाद जो है ये लोग अपने सुकून से अपने घर जा पाएंगे। लेकिन यदि शाम को बारिश हो जाती है तो कैसे इसके हालात होंगे और दुकानों के अंदर पानी, माल का नुकसान, चंद मिनटों की ये बारिश, लेकिन हालात बहुत बुरे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों को। और चाहे मोटरसाइकिल है चाहे साइकिल है, सब डूब जाते हैं, सब समा जाते हैं। देखिए मोटरसाइकिल के जो टायर हैं वो पूरे डूबते हुए किस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए, लेकिन हालात बेहतर से बेहतर। ले आओ दीपक, इस समय गुरुद्वारा मार्केट्स असम से लाइव है और जो मौजूद चेयरमैन हैं उनसे यही उम्मीद कि भाई दीपक दिखाओ, गोटे गोटे तो हैं, गोटे गोटे पानी और कुछ तो, यदि थोड़ी और बरसात हो जाए तो ये जो स्लेब आप नज़र आ रहा है आपको, ये जो है ऊपर से तिर जाता है, ये नहीं पता लगता कि कहाँ स्लेब है कहाँ दुकान है। बहुत मुश्किल इन दुकानदारों को आती है और गंदगी जो नालों के अंदर जाती है वो भी बाहर आती है। हालात दीपक इधर, और इस समय इस छोटे से शहर में असंध में, और ये देखिए क्रॉसिंग करवाते हुए, गोदी लेकर के क्रॉसिंग करवाते हुए। दीपक आगे दिखाओ भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बंद होगी फिर पानी में तो बंद होगी, होगी 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 स्टार्ट। भाई पूरे के पूरे जो टायर है वो यहाँ डूबे हुए हैं। भाई डाई मार के दिखाइयो, देखिए आनंद लेते हुए ये बच्चे और छोटे छोटे समुंदर के जैसे, तालाब के जैसे अपना तैरने का जो है स्थान इन्होंने बनाया है। तो आज आनंद लेते हुए, क्योंकि बच्चों के लिए तो एक मनोरंजन का जो है यहाँ पूरा, ये मोटरसाइकिल के हालात और इस समय मुश्किलों का सामना करते हुए कि क्या मोटरसाइकिल आगे जा पाएगी या नहीं। लगातार चाहे दुकानदार हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, शॉपकीपर हैं या सामान लेने वाले हैं, सभी को हर रोज़ यहाँ इस समुंदर के बीचों बीच गुजरना पड़ता है। और ये फलों की जो रेहड़ी लगाते हैं अभी ग्राहकी, क्योंकि इस समय ये देखिए पूरा का पूरा जो टायर है मोटरसाइकिल का पूरा टायर इस समय डूबा पड़ा है और किस प्रकार से गंदगी भी जो यहाँ पहुँच जाती है, नालियाँ बंद हो जाती हैं और नुकसान होता है दुकानदारों को, क्योंकि ग्राहक आता वो कितने सालों से हालात है, ये कितने सालों से हालात है, कितने साल हो गए ये हालात किसको हमें ठीक करना भाई, दो कौन आएगा इसको पता है। चलो भाई, तो भाई गुरुद्वारा मार्केट और जीन चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस समय पानी ही पानी हर जगह, और स्विमिंग पूल कहें, जोड़ कहें, तालाब कहें, चाहे आप कुछ भी कहें, सब आज तो चलेगा, लेकिन सुनने वाला कहने वाला भी। दीपक ये तार दिखाओ, इसके ऊपर ओपन तार, बिजली के ओपन तार यदि किसी कारण से टूट करके नीचे गिर जाते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। यहाँ या तो केबल होनी चाहिए या फिर नीचे स्टे वायर होनी चाहिए, लेकिन हालात बहुत बेकार हैं और लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, गोवा जाने की जरूरत नहीं दीपक, यहीं आनंद ले सकते हैं। एक किस्ती की जरूरत है यहाँ, यदि आप चाहें तो एक कार्यक्रम कर सकते हैं कि जब भी तेज़ बारिश हो तो आप यहाँ
किश्ती लेकर के जो है पहुंच सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तस्वीरें हैं इस समय जींद चौक की, और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। काफ़ी जो है भीड़ यहाँ हो जाती है, काफ़ी लोगों को मुश्किलें यहाँ आती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और ये हालात इसे जींद चौक के कि यहाँ से कैसे निकला जाए, सोचने के लिए लोग मजबूर हैं। और बहुत पानी ही पानी, बने रहेगा, जुड़े रहिएगा, और तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।